बिहार के रामनगर क्षेत्र में छोटे शिव मंदिर के पास आज सुबह 11 बजे एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। हत्यारे 6 या उससे ज्यादा की संख्या में धारदार हथियारों से लैस होकर आए थे। 38 वर्षीय कुशल बाबूराव उइके नामक व्यक्ति को इन हत्यारों ने घेर लिया और तीक्ष्ण हथियारों से गोदकर उसकी हत्या कर दी। इस घटना को कई लोगों ने देखा, लेकिन किसी ने बीच बचाव की कोशिश नहीं की। हत्यारों के भागते समय किसी ने उनमें से एक की बुलेट गाड़ी का नंबर नोट किया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस के अनुसार एनफील्ड बुलेट क्रमांक MT-6322 हत्यारों में से किसी एक की हो सकती है। बताया जाता है कि 1.5 महीने पहले इसी क्षेत्र में बग्गा नामक एक व्यक्ति की हत्या इसी तरीके से की गई थी। कुशल उइके की हत्या के तार बग्गा हत्याकांड से जुड़े होने की आशंका पुलिस ने व्यक्त की है। कुशल उइके डेकोरेशन के व्यवसाय से जुड़ा हुआ था। पुलिस अपनी जांच में व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता के पहलू को भी शामिल कर सकती है। घटना की सूचना मिलते ही DCP 2 के कलासागर अमदरी थाने के निरीक्षक अतुल सबनीस, अपराध शाखा के अधिकारी एवं सिपाही मौके पर पहुंचकर जांच में लग गए।